तो चलिए आज का कमेंट बॉक्स शुरू करते हैं। हर बार की तरह इस बार भी मेरे पास में काफी प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं और काफी इंटरेस्टिंग सवाल भी आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं। एक कमेंट मेरे पिछले चैनल पर भी बहुत बार आया है जो कि मेरा क्वेश्चन वर्ल्ड चैनल है। एक वीडियो बनाई थी मैंने एस्ट्रल ट्रैवलिंग के बारे में और इस चैनल पर भी धनंजय कुमार पूछते हैं दोबारा से वही कमेंट। चलिए कमेंट में पढ़कर आपको बता देता हूँ। बेसिकली इनका सवाल यह है कि जब सूक्ष्म शरीर हमारे स्थूल शरीर से बाहर निकलता है और ऐसे में जब हमारा सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है तो क्या कोई दूसरी आत्मा हमारे शरीर में प्रवेश कर सकती है? सबसे पहली बात, सूक्ष्म शरीर को अपने शरीर से बाहर निकालना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। आपने मेरी या किसी और की वीडियो यूट्यूब पर देखी कि अपने सूक्ष्म शरीर को अपने स्थूल शरीर से कैसे बाहर निकालें और आप सोचते हो कि मैं प्रयोग करूंगा और ये हो जाएगा। नहीं, अब ये इतना आसान भी नहीं है जितनी आसानी से आप लोगों ने समझ लिया। इसके लिए बहुत गहरी साधना की जरूरत पड़ती है। हाँ, वीडियो तो मैंने भी डाला है लेकिन मैं जानता हूँ ये आप लोग नहीं कर पाएंगे। ये इतना आसान नहीं है, ये बहुत लंबी गहरी साधना होती है और अगर किसी गुरु के अंडर में रहकर ये किया जाए, गुरु के देखरेख में किया जाए, मतलब गुरु अगर चाहे तो एक बार को ये पॉसिबल है और गुरु इसके फायदे और नुकसान दोनों ही बताएगा। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई है कि ये इतना आसान नहीं है। एस्ट्रल प्रोजेक्शन कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसके लिए आपको गहरी साधना करनी होती है, बहुत ज्यादा गहरे मेडिटेशन में जाना होता है। हाँ, कुछ सिलेक्टेड लोगों के साथ में कुतूहल बस ये घटना घट गई, अनजाने में ही सही, उनका एक्सपीरियंस मैंने सुना है। और अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है आपके प्रयोग करने के दौरान, यानी जब आप मेडिटेशन कर रहे होते हैं, बहुत गहरे ध्यान में होते हैं और आपका सूक्ष्म शरीर आपकी बॉडी से बाहर आ जाता है, तो वो वापस अंदर कैसे जाएगा? देखिए, ये घटना बड़ी ही अनोखी होती है। जब ऐसा होता है तो एक बार को आप सरप्राइज हो जाते हो, आपकी कुछ भी समझ में नहीं आता है, आप अपने ही शरीर को अपनी आंखों के सामने पड़ा हुआ देख सकते हैं। तो ऐसे में जितना ज्यादा घबराओगे और अपने शरीर में वापस जाने की कोशिश करोगे तो नहीं कर पाओगे। आपको ये परिस्थिति नेचर पर छोड़नी होगी, ईश्वर पर छोड़ना होगा और इस घटना का आनंद लेते हुए समर्पण वाला भाव रखना होगा, तो आपका सूक्ष्म शरीर आपकी बॉडी के अंदर वापस चला जाएगा। मान्यता ये भी है कि अगर आपके शरीर को कोई अपोजिट सेक्स यानी कोई महिला छू लेती है तो आपका सूक्ष्म शरीर तुरंत आपकी बॉडी में आ जाएगा। ऐसा मैंने ओशो के एक लेक्चर में भी सुना था। और दूसरा यह है कि जब हमारा सूक्ष्म शरीर हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगा तो उस समय क्या कोई दूसरी आत्मा हमारे शरीर में प्रवेश कर सकती है? देखिए, ये पॉसिबल तो है लेकिन कोई दूसरी आत्मा आपके शरीर में प्रवेश करेगी ही क्यों? उसने अपना पहला शरीर क्यों छोड़ा था? तो चांसेस तो बहुत ही कम होते हैं कि कोई दूसरी आत्मा या कोई नेगेटिव आत्मा आपके शरीर में प्रवेश कर ले, क्योंकि आपने यह शरीर अपने आप चुना है, प्रकृति ने आपके लिए डिसाइड किया है, तो ये आपके लिए परफेक्ट है। इसमें कोई दूसरी आत्मा क्यों आएगी? नहीं आएगी। लेकिन हाँ, पॉसिबल है, ये हो सकता है। चलिए दूसरे कॉमेंट की तरफ चलते हैं। इन भाई ने पूछा है कि हम लोग अपना दिमाग कितने परसेंट यूज कर पाते हैं। देखिए, इसके बारे में बहुत सारी धारणा है कि कितने परसेंट दिमाग यूज कर पाते हैं। आपको बहुत सारे वीडियोस या जानकारी मिल जाएगी इंटरनेट पर, लेकिन मेरा पर्सनली मानना ऐसा है कि इंसान का दिमाग परसेंट में बता पाना बहुत मुश्किल है कि हम लोग कितना परसेंट यूज करते हैं, क्योंकि परसेंट निकालने के लिए हमारे पास में 100% होना चाहिए, लेकिन आज तक इस पृथ्वी पर किसी ने भी 100% अपना दिमाग यूज नहीं करा है। तो जब तक कोई 100% यूज नहीं करेगा तब तक हम उनमें से परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं? 100% तो बहुत ज्यादा होता है, जिसमें कि एक हॉलीवुड फिल्म लूसी में दिमाग के कुछ स्टेजेस बताए गए हैं परसेंटेज वाइज। दिमाग के 100% की पावर हमारा ये भौतिक शरीर नहीं झेल सकता, इसीलिए तो ईश्वर का कोई शरीर नहीं है, क्योंकि वही 100% हो सकता है। एक भाई ने पूछा है कि भाई क्रिया योग पर वीडियो बनाएं, तो भाई क्रिया योग पर मैं वीडियो बहुत जल्दी लेकर आऊंगा, तो अभी तो फिलहाल क्रिया योग के बारे में मैं शॉर्ट में नहीं बता सकता, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा। एक भाई ने पूछा है कि आध्यात्म की सबसे ज्यादा जटिल और मुश्किल ताकत कौन सी है, यानी बेसिकली ये आध्यात्म की शक्तियों की बात कर रहे हैं। देखिए, आध्यात्म की शक्ति का कोई मेजरमेंट नहीं किया जा सकता, आध्यात्म की शक्ति अपने आप में ही यूनिक पावर है। अगर मैं इसकी तुलना किसी के साथ करूंगा तो ये गलत होगा। हालांकि मुश्किल तो छोटा सा मेडिटेशन भी होता है, आप डेली 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, डेली अपने फोन में 2-2 घंटे गेम्स खेल सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ खड़े हुए बिना सर पैर की बातें कर सकते हैं, ना जाने ऐसे कितने सारे काम हैं जो हम रेगुलर करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं ध्यान की, तो आप डेली 15 से 30 मिनट ध्यान नहीं कर सकते, आप अपने आप से ही मुलाकात नहीं कर सकते, आप अपने ही अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि आप अपने अकेलेपन से डरते हैं।
जब आप डेली मेडिटेशन करेंगे तो आप देखना, आपको लगेगा दुनिया के सभी काम आसान है, लेकिन डेली मेडिटेशन के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। और अगर आप ऐसा कर सके तो बस आपको एक अलग ही राह मिल जाएगी। एक कमेंट मेरे पास में बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आया है। ये पूछती है कि ध्यान क्या अलग अलग तरीके के होते हैं। इनका मानना यह है कि ध्यान तो एक ही तरह का होता है, थॉटलेस माइंड, डीप मेडिटेशन। तो ऐसे में कुंडलिनी जागरण का ध्यान, थर्ड आई एक्टिवेट करने का ध्यान या अपनी शक्तियों को जागृत करने के ध्यान, ये तो अलग अलग कैटेगरी हो गई है। देखिए, इससे मिलते जुलते मेरे पास में बहुत सारे सवाल आए हैं, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। वैसे मैं अभी आपको शॉर्ट में सिर्फ इतना बता दूं कि देखिए, असल में ध्यान तो एक ही होता है, थॉटलेस, शून्य की अवस्था में पहुंचना, यानी डीप मेडिटेशन, समाधि वाली अवस्था, ध्यान इसी को कहते हैं, जिसमें कोई इच्छा, कोई चाहत, कोई डिजायर नहीं होती। यहाँ पर आपका पूरा समर्पण होता है परमात्मा के प्रति, यानी आप नहीं होते, आपके अंदर का अहंकार शून्य होता है। सिंपल है, जब आपकी कोई इच्छा ना हो, कोई आध्यात्म की शक्ति पाने की इच्छा ना हो, मोक्ष पाने की इच्छा ना हो, परमात्मा से मिलन की इच्छा ना हो, और आप थॉटलेस शून्य में चले जाएंगे, तो आपका मिलन तो परमात्मा से ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। लेकिन जब तक आपके अंदर इच्छा होगी, कुछ चाहत होगी, तब तक आपका ध्यान संपन्न नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप ध्यान की मदद से कुछ सिद्धियां करना चाहते हैं, तो आप उस ध्यान की ऊर्जा से पर्टिकुलर पॉइंट को एक्टिवेट कर सकते हैं, यानी अपने शरीर की डिफरेंट डिफरेंट शक्तियों को एक्टिवेट कर सकते हैं। उसकी विधि मैं कभी डिटेल वीडियो में बता दूंगा। बाकी मेरे पास में बहुत सारे कमेंट हैं जो पेंडिंग में हैं, उनके ऊपर सब पर वीडियो बना पाना पॉसिबल नहीं है, तो धीरे धीरे जो कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगेगा, जिनका सवाल अच्छा होगा, उस पर मैं वीडियो बनाता रहूंगा। आपकी कमेंट पिक ना हो पाई हो तो इसके लिए माफी चाहता हूँ। बाकी हमारे चैनल से कनेक्ट रहिए, अपने सवाल पूछते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। यार, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट तो हर वीडियो में मुझे दें, ताकि मैं थोड़े अपने काम में इंप्रूवमेंट भी कर पाऊँ। पिछली वीडियो में व्यूज़ नहीं आए थे यार, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।